संपादकीय राजस्थान पत्रिका खतरे में संघीय ढांचा, दिनांक शनिवार 29 फरवरी 2020, गति 70 शब्द प्रति मिनट, डिक्टेशन स्टार्ट विद इन 5 सेकेंड्स। भारत में लोकतंत्र है विराम, संघीय ढांचा भी है विराम, यह दोनों ही खासियतें हमारी शान है, लेकिन कम ज़्यादा हर वक्त यही शान सबसे ज़्यादा दांव पर लगी नज़र आती है। केंद्र हो या राज्य, दोनों जगह सरकारें एक दल की हो या फिर अलग अलग दलों की, मार इन्हीं दोनों पर पड़ती नज़र आती है। फिर चाहे वह टकराव के रूप में हो या चुप्पी के रूप में विराम, आज भी हालात कमोबेश देश के संघीय ढांचे के कमजोर होने के ही नज़र आ रहे हैं विराम। फिर चाहे वह नागरिकता संशोधन अधिनियम का विवाद हो या फिर प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, आयकर विभाग अथवा NIA जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप, यह सारी एजेंसियां देश में आज नई नहीं बनी है। AI को छोड़ दें तो सब की सब दशकों पुरानी है। ऐसा भी नहीं है कि इनके दुरुपयोग की शिकायतें आज ही आने लगी है, पहले भी इनके माध्यम से राजनीतिक हित साधने के आरोप लगते थे, लेकिन इन वर्षों में ऐसे आरोपों की जो बाढ़ सी आई है वह चिंता बढ़ाने वाली है विराम। इससे भी आगे पहले टकराव की नौबत नहीं आती थी। केंद्र और राज्य की सरकारें आमने सामने नहीं होती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इन सालों में वे सीधे भिड़ने लगी हैं विराम। सबसे पहले यह सीधा टकराव CBI के दुरुपयोग पर आंध्र प्रदेश और केंद्र में हुआ विराम। आंध्र ने तब बाकायदा कानून बनाकर CBI को अपने यहाँ किसी भी कार्रवाई से प्रतिबंधित कर दिया विराम। कमोबेश ऐसा ही पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ ने किया। अन्य कई विपक्षी सरकारों के सुर भी बदल गए। फिर एक श्रृंखला चली विराम। नागरिकता संशोधन कानून उनका केंद्र बिंदु बन गया विराम। कई राज्यों की सरकारों ने इस केंद्रीय कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिए। इस पर लगी आग के घेरे से अभी देश जूझ ही रहा है कि दो दिनों से छत्तीसगढ़ में चल रही आयकर विभाग की छापेमारी ने फिर टकराव का माहौल बना दिया है विराम। केंद्र पर राजनीतिक कारणों से
ऐसा करने के आरोपों के बीच राज्य पुलिस ने नो पार्किंग के बहाने विभाग की गाड़ियों का ही चालान कर दिया विराम। विभाग ने आज फिर सीधे मुख्यमंत्री के दफ्तर में कार्यरत अधिकारी के यहां छापा मारा। भ्रष्टाचार कहीं भी हो वह रुकना ही चाहिए, लेकिन उसमें राजनीति के आरोपों का आना और दो सरकारों का सीधे टकराना देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है विराम। इससे पहले कि स्थितियां और बिगड़े, केंद्र और राज्यों की सरकारों को मिल बैठकर माहौल को ठीक करने के प्रयास करने चाहिए। ऐसी संवादहीनता किसी भी स्तर पर नहीं रहनी चाहिए, जो कि अंततः हमारे लोकतंत्र और संघीय ढांचे को तहस नहस कर दे विराम। आज हम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, कम से कम वह तो इन दोनों के भविष्य की अच्छी तस्वीर नहीं दिखाता होगा विराम।